नमस्कार प्रणाम, मैं सोनी गुप्ता आप सभी के अपने ब्लॉग वीडियो में स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। और पता नहीं आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, आप लोग को वीडियो मेरा देख ही नहीं रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया आप लोग को। कैसा वीडियो बनाएं आप लोग बताइए कि हाँ ऐसा बनाइए, तो हम वैसा ही बनाएंगे। आप लोग बता भी नहीं रहे हैं और देख भी नहीं रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं, आज का मेरा ब्रेकफास्ट है चना दाल का बेसन का पकौड़ी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ये रेसिपी बहुत अच्छा है। देखिए मेरा बाबू पी रहा है सुकृत पे, तो दिखा रहा है। हेलो बोल दो। नहीं, हाय, गुड मॉर्निंग, बाबू बोल दिया है गुड मॉर्निंग। तो आज का खाना क्या बन रहा है वो हम आप लोग को दिखाते हैं, पूछते हैं सोनी से। तो आज क्या बना रही हो सोनी, जरा बताना मेरे को। ये देखिए चावल ला, कुकर में चावल। हाँ ये देखिए रोटी, चूल्हा पे सब्जी, लौका की सब्जी। किसी किसको लौका अच्छा लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो तुमको तो अच्छा लगता है। और ये लौका मालूम है घर का फरल नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा है, बोलिएगा तो आप लोग को दे देंगे। वो मेरी छोटी वाली ननद घर से आया है। अच्छा, तो अगर चाहिए तो आप लोग बोलिए, एक लौका भी बचा हुआ है, दे देंगे आप लोग को। अरे कुकर का भी क्यों इज्जत ले रहे हो यार, चावल बना रहा है तो चूल्हा पर, गैस पे बनता है, गैस नहीं है। ठंडा के दिन में गैस है क्यों नहीं, खत्म थोड़ी ना हुआ, लेकिन अभी चूल्हा पे, ठंडा के दिन में चूल्हा पे खाना बनाने का मजा ही कुछ और है। आगे तापते रहिए, बनाते रहिए। तो चलिए, तो अभी खाना ना बनाओ ना के ब्रश वगैरह करके और बालों झाड़ के छत पे आए हैं। अभी खाना नहीं खाए हैं, अभी छत पे आए हैं, अभी जाएंगे तो खाएंगे। और अभी हम देखिए धूप तापने बैठे हैं और वीडियो भी बनाने आए हैं तैयार होके। और वहाँ देखिए बाबू और महादेव जी क्या कर रहे हैं। बाबू क्या देखिए सब आए हैं बनाने, अभी शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाएंगे, तो आप लोग देखिएगा दोस्तों ज़रूर। और पसंद आए तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तो सारा रील्स बनाए हैं दोस्तों, आप लोग देखिएगा, देखना ना भूलिएगा। और पसंद आए दोस्तों, पसंद तो आएगा ही, बहुत अच्छा अच्छा बनाया है रील्स, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, तब चलते हैं खाना खाने, खाना पे मिलते हैं। दोस्तों हम खाना बना लेंगे, देखिए बताया था ना लौकी की सब्जी और चावल, और इतना सारा खाना देख के सोच रहे होंगे कि हम अकेले खाने वाले हैं, तो नहीं, इसमें तीन लोग हैं, मेरे मेरे हस्बैंड और मेरा बाबू। तो चलिए अब खाने चलते हैं और खा के बताते हैं टेस्ट कैसा है। और हम बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, सब्जी चावल किसको खाना है देखिए दोस्तों, सोनी जो है खाना पीना बना खा करके और अपना ड्यूटी पर बैठ चुकी है। मेरा ड्यूटी ही यही है, ये इसका ड्यूटी है। अभी सिलाई करेंगे, सिलाई दो गो सूट है, अभी दो गो सूट सिलाई करेंगे, 12:30 बजे तक सिलाई करेंगे, उसके बाद उठेंगे तो फिर नहाएंगे धोएंगे बर्तन सब काम कर उड़ के फिर जाएंगे कस्तूरबा में पढ़ाने। बताइए इतना हार्ड ड्यूटी करती है, क्या कीजिएगा, मायके में थोड़ी ना, ससुराल में है, करना पड़ता है, मेहनत तो बहुत करती है। लेकिन देखिए दोस्तों हम तैयार हो चुके हैं और अब हम चल रहे हैं अपना स्कूल पढ़ाने। तो चलिए अब स्कूल चल के आप लोग से मिलते हैं, बने रहिए मेरे वीडियो में और देखते रहिए। हम पढ़ा के आ गए हैं और देखिए महादेव जी सब्जी लेके आए हैं, यहाँ देखिए आते समय अभी जस्ट आए हैं, बाबू भी गया था। और देखिए अंधेरा हो जाता है आने में, देख सकते हैं आप लोग बाहर अंधेरा हो गया। और अभी देखिए जस्ट ही अभी आए हैं हम, तब आए हैं तो जा रहे हैं कुछ खाना वाना बनाएंगे, पहले चाय बनाएंगे क्योंकि चाय और बिस्किट खाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग के भी देंगे, वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा दिख रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा दाढ़ी यहाँ देखिए, ये देखिए ये वाला कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए हम कब तक सिलाई करते हैं, और आप लोग भी रज्जागा कीजिए, आज हम खुद रज्जागा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा।
देखिए अभी हम पेटीकोट सिलाई कर रहे हैं, अभी ये तैयार हो जाएगा, उसके बाद तो देखते हैं, जाएंगे दूध है गरम करेंगे, बाबू को पिलाएंगे और खुद पिएंगे और फिर सोएंगे। अब मेरे को नहीं दोगे क्या? क्या कीजिएगा, आप खाते बहुत खाते हैं। चलिए दोस्तों अभी आप लोग को दिखाते हैं सोनी क्या कर रही है इतना रात्रि में। ये देखिए बिना टाइम का टाइम काम करती रहती है। बताइए अभी का अभी समय जो हो रही है वो अभी हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे। ये देखिए 8:07 हो रही है। बताइए अभी तक खाना पीना भी नहीं बनाई है और सिलाई में लगी हुई है। पता नहीं मेहनत बहुत करती है और खाना पीना पर तो ध्यान ही नहीं दे रही है और पतली दुबली हो गई है पहले से तो नहीं, मेन क्या है ना कि सुबह उठिए खाना पीना बनाते खाते टाइम हो जाता है, मतलब बेटा और 10 बज जाएगा, फिर स्नान ध्यान कपड़ा लाता सब काम करते माजते धोते, फिर आपका 2 बज जाता है, तैयार होते हैं, फिर चले जाते हैं कस्तूरबा, वहाँ से आते हैं, फिर खाना पीना बनाइए खाइए, उसके बाद सो जाइए। कभी तो टाइम नहीं मिल रहा है सिलने के लिए, तो आज हमने सोचा आज खाना नहीं खाएंगे, आज खाना नहीं बना रहे हैं। आज झाल मुरी बनल था तो एक गमला देखे थे आप वीडियो में, वो भी खाने वाली नहीं थी, लेकिन मैं देखा कि अब कुछ खा करके काम नहीं करेगी तो क्या करें, हम फिर जा करके समोसा वगैरह लाए और पूरा जमशेदपुर में जैसे बना के खाते थे वही याद आ गया और आए तो एकदम जल्दबाजी में ना बनाए और खाए और खिलाए और इसके बाद देखिए बैठी हुई है। तो खा लिए हैं, पेट सबका भरा हुआ है, मुझे कि चलिए रात्रि का समय है सिलाई कर लेते, रात तो अपना होता है दोस्तों। देखिए गलत बात है, गलत बात है, होता है रात अपना होता है। देखिए दोस्तों पेट मेरा है और जान रही है ये कि सबका पेट भरा हुआ है। बताइए मुरही खाने से पेट भरता है। एक बात बताए, ये जो मेरे हस्बैंड जो दिखते हैं ना एक नंबर के झूठे, अभी खुद बोले सोनी सबका पेट भर गया, अब खाना क्या बनाएगी, अब रहने दो। घर में जैसे तुम है तुमको पेट नहीं भरा है तो खाने बनाना होगा ना हमको। ठीक है मैं नहीं खाऊंगा लेकिन मेरे चलते तुम भी भूखा रहोगे। ये देखिए मेरा बदमाश को हल्ला करता है, बहुत हल्ला करता है, हल्ला करता है, बहुत सिलाई दोस्तों, बहुत सिलाई करना है हमको, आज हम रात भर सिलाई करने वाले हैं। अगर आप लोग यकीन ना हो कल रात भर आप लोग मेरे ही साथ वीडियो में बने रहिए और आप लोग को दिखाते हैं आज हम भोर तक सिलाई करते हैं।